वेलकम बैक, मुशरफ अली खान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हो गए। और दोस्तों मैं आ गया हूँ जल्दी आज मस्जिदुल हरम, अब बिल्कुल करीब हूँ इंशाल्लाह। आज जो है तवाफ़ करते हैं, तो मैं आपको तवाफ़ के बारे में बताऊँगा, तवाफ़ कहाँ होता हैगा। ये वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आकर देखिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये देखिएगा, ये सामने बिल्कुल हरम पर ये हाजी वगैरह खड़े हुए हैं माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये कबूतर, ये लोग डाला वगैरह डालना है। और ये हरम, और ये हम चलते हैं सामने फर्स्ट फ्लोर पर। दोस्तों चलिएगा, हम इसके ऊपर जाएंगे दोस्तों तवाफ करने के लिए। देखिएगा, ये देखिए सीधा फर्स्ट फ्लोर के लिए जा रहा है रास्ता। दोस्तों देखिए, हमने एंट्री कर ली हरम के अंदर दोस्तों। और ये देखिए जमजम है, आप जमजम वगैरह पी सकते हैं, ये देखिएगा। और ये है हरम का फर्स्ट फ्लोर, ये देखिए दोस्तों। और ये देखिएगा, ये बैतुल्लाह अल हरम है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, और देखिए दोस्तों ये जो आप सामने हरी लाइट देख रहे हैं ना ग्रीन, यहाँ से आपका तवाफ शुरू होगा, ये देख लीजिएगा। और ये अंदर के लिए गया है सफ़ा मरवा के लिए, जैसे ही सफ़ा मरवा हो रही है, ये आप देख रहे हैं सामने सफ़ा मरवा है। और तवाफ़ अगर आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से जो ग्रीन लाइट है, यहाँ से आपका तवाफ़ जो है शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से नियत करिएगा और यहाँ से आपका तवाफ़ जो है शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको बता दूं, तवाफ़ जो है वो ज़िंदा लोगों के लिए होता है जो मौजूदा हैं। अगर आप किसी का तवाफ़ करना चाहते हैं तो दुनिया के अंदर अगर वो मौजूद है, हयात है, तो उसके नाम का आप तवाफ़ कर सकते हैं। और उम्रा जो है जो ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, उसके नाम का आप तवाफ़ कर सकते हैं, वो उम्रा कर सकते हैं दोस्तों। उम्रा जो है मरने वाले के लिए, जो मर चुका है इस दुनिया से, उसके नाम का। और तवाफ़ जो है वो ज़िंदा है, उसके नाम का आप तवाफ़ कर सकते हैं दोस्तों। और ये आप देख लीजिएगा माशाल्लाह, ये देखिए हरम है माशाल्लाह तबारकअल्लाह, आप देख सकते हैं नीचे तब उम्र वाले जो है उम्रा कर रहे हैं दोस्तों। चलिए अब इंशाल्लाह हम तवाफ़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हुए दोस्तों तवाफ़ नहीं किया आएगा। और माशाल्लाह उम्र वाले हाजी काफ़ी हैं, और काफ़ी उम्रा माशाल्लाह तबारकअल्लाह चल रहा है, काफ़ी रश है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि तवाफ़ जो है जो ज़िंदा है उसके नाम का आप कर सकते हैं, जितने चाहे उतने कर सकते हैं, किसी के नाम कर सकते हैं। और उम्रा जो है वो दोस्तों जो मर चुका है उसके नाम का आप उम्रा कर सकते हैं। तवाफ जो है वो ज़िंदे के लिए, जो ज़िंदा है उसके नाम का आप तवाफ कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, और ये देख रहे हैं नीचे आप जो मताफ देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सिर्फ इसके नीचे सिर्फ उम्रे वाले लोग ही जाते हैं। ये देखिएगा, ये सिर्फ उम्रे वाले लोग हैं जो आराम की हालत में हैं। उम्रा जो करने वाले लोग हैं आराम में, वही जो है यहाँ पर जा सकते हैं अंदर दोस्तों, उसी की एंट्री होगी। ये देखिएगा माशाल्लाह, ये तवाफ़ चल रहा है यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर, आप देख सकते हैं। और देखिए इधर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना रश है माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए इधर तवाफ़ वगैरह चल रहा है। और देखिए जमजम के कूलर लगे हुए हैं, वाटर कूलर, आप पानी पी सकते हैं इसको, ये देखिएगा, ये देख लीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तवाफ़ कर लिया है, और अब थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह जुमे की नमाज़ पढ़ूंगा। और इंशाल्लाह खुशी रही, आपको खुतबा भी सुनाया जाए। तो आपने देख लिया होगा कि तवाफ़ जो है वो सिर्फ़ जो ज़िंदा उसी के नाम का कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं बाहर की तरफ दोस्तों। ये देखिएगा, ये सब लोग माशाल्लाह यहाँ पर हैं, देखिए यहीं पर ही स्टार्ट होगा, और यहीं पर ही जो है तवाफ़ आप देख रहे हैं ग्रीन लाइट पर, यहीं पर ही ख़त्म होगा, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो ये देखिए, ये चल रहा है सफ़ा मरवा, ये आप देख सकते हैं। चलो मैं ये इधर का भी दिखा देता हूँ आपको नज़ारा थोड़ा सा सफ़ा मरवा का, ये आप देख सकते हैं कितना रश माशाल्लाह चल रहा है। देखिए उम्रे वालों का सफ़ा मरवा में आप खुद ही देख सकते हैं माशाल्लाह, ये देख लीजिएगा। और ये देखिए इधर ये ग्रीन लाइट वगैरह आप देख रहे हैं चल रही है माशाल्लाह, देखिए कितना माशाल्लाह फुल चल जाएगा, देखिए उम्रा फुल चल जाए, आप खुद ही देख सकते हैं माशाल्लाह तबारकअल्लाह, ये देख सकते हैं आप।
ये देखिएगा, मैं बाहर आ गया हूँ। अब तवाफ़ करके हम बाहर का आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बाहर का नज़ारा है अब्दुल अज़ीज़ गेट के बाहर का। ये गेट आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये देखिएगा ये खूबसूरत नज़ारा है। और ये क्लॉक टावर है बाहर का, आप खुद देख सकते हैं माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं बाहर का खूबसूरत नज़ारा माशाल्लाह तबारकअल्लाह। ये देखिएगा आप, ये देखिए हाजी उमरे वाले खड़े हैं यहाँ पर। ये देखिए छोटा हाजी माशाल्लाह, आप देख सकते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए छोटा हाजी है माशाल्लाह उमरा करने के लिए, देखिए आप। और ये आप देख सकते हैं इधर का भी नज़ारा, खूबसूरत सा मंज़र माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिएगा, देखिए जुमे की नमाज हो गई है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। ये देखिएगा माशाल्लाह कितना रश है, आप देख सकते हैं। और इधर भी देखिए रश, आप देख सकते हैं माशाल्लाह उमरा वालों का कितना ज़्यादा रश है माशाल्लाह, ये देख लीजिएगा। इधर भी आप रश देख सकते हैं माशाल्लाह, उमरे के हाजियों का कितना ज़्यादा है, ये देखिएगा कितना रश है ये उमरे का, आप देख सकते हैं। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जगह है शारे इब्राहिम खरीर रोड। ये देखिए पूरा शारे इब्राहिम खरीर रोड का ये होटल है, ये आप देख सकते हैं। और ये सामने होटल वगैरह हैं, ये आप देख सकते हैं कितना रश है, ये आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह रश। देखिए अभी जुमे की नमाज हुई है माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। और ये हाजी अभी सब हरम के लिए जा रहे हैं, कोई अपने होटलों के लिए जा रहा है। और चलिए, गर्मी तो है बहुत ज़्यादा दोस्तों, मगर हम पीते हैं पानी। ये देखिए सामने पानी लगा हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर, ये आप देख सकते हैं कितना रश है यहाँ पर। ये देख लीजिएगा कितना ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ क्लॉक टावर के अंदर, और क्लॉक टावर के अंदर आपको दिखाऊंगा कि सबसे सस्ता खाना कहाँ पर मिलेगा। और आप वीडियो को देखिएगा इंशाल्लाह, जब भी अगर आप आएँ तो आप टावर के अंदर खाना बहुत ही सस्ता खा सकते हैं। वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए दोस्तों। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इस सीधा हरम की तरफ लोग जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देख लीजिए पूरा शेर का मक्का की साइड का होटल है, ये देखिए दुकानें, ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त नज़ारा है। ये सामने जो है आप देख रहे हैं, ये 88 गेट नंबर है हरम का, 88 नंबर गेट है 88। इसी के ही सामने बिल्कुल आपको ये देख रहे हैं ना आप, ये हिजरा वाला रोड है, ये शेर का मक्का है लकड़ी वाला। और ये आप देख रहे हैं क्लॉक टावर, आप ये जो सामने देख रहे हैं इसी के बिल्कुल सीधे में आपके लिए जाना। चलिए मैं दिखाता हूँ आपके लिए कि सबसे सस्ता खाना कहाँ मिलेगा -1 पर, कैसे आपको -1 पर जाना है, ये आप देखिएगा मेरे साथ में। मैं पूरी आपको लोकेशन इसकी शेयर करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये देखिएगा आपको बिल्कुल सीधा जाना है, इसके सीध में जाना है क्लॉक टावर के, ये हिजरा वाली साइड है। किसी से पूछ सकते हैं आप कि हिजरा वाली साइड कौन सी हैगी, और इसकी हिजरा वाली साइड से ही अंदर को एंट्री करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सस्ता होटल आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, चलिए हम इसके अंदर चलते हैं दोस्तों। देखिए हिजरा की साइड में यहाँ से होटल खाने के शुरू हो जाते हैं, ये देखिएगा अलाधान रेस्टोरेंट है, मताम अलदहान है, अरदाद है। चलिए हम सीधे चलते हैं, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ -1 के अंदर। ये जगह जो है पूरी -1 है,
लेकिन आपको सीधा जाके लेफ्ट में मुड़ना है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं पूरा हिजरा वाला रोड है माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं और ये पूरा खूबसूरत नज़ारा है। और इसी के साथ में आप देख रहे हैं ये जैन का ऑफिस है, सिम का आप सिम खरीद सकते हैं। इसके बराबर में ही जो है फार्मेसी है और फार्मेसी के बराबर में ही दोस्तों मैकडॉनल्ड है, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये मैकडॉनल्ड है। और मैकडॉनल्ड के साथ में ही आपको जाना है अंदर के लिए, ये देखिए मैकडॉनल्ड लिखा हुआ है, इसके साथ में ही अंदर को जाना है दोस्तों। ये देखिए माइनस वन के लिए अंदर रास्ता गया है सीधा दोस्तों, और इसी के अंदर जो है वो रेस्टोरेंट है सस्ते खाने का, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप किसी से पूछिएगा आराम से, बेधड़क बेझिझक आप अंदर को आइएगा। देखिए हमने अंदर क्लॉक टावर के अंदर एंट्री कर ली है माशाल्लाह। तो ये एक्सीलेटर के साथ में हमको बिल्कुल सीधा जाना है दोस्तों, सीधा, ये देखिए बिल्कुल हमें सीधा जाना है, ये देखिए बिल्कुल सीधा। जैसे ये सामने जो गेट आपको नज़र आ रहे हैं, इस गेट को आपको क्रॉस करना है दोस्तों। चलिए इसके अंदर से हम एंट्री करते हैं, जैसे ही गेट को क्रॉस करोगे आप, आपको रेस्टोरेंट नज़र आ जाएंगे माशाल्लाह। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये है माइनस वन का एरिया जो आप देख रहे हैं। ये सामने टेस्ट ऑफ ग्रिल, ये बहुत पुराना होटल है। और इधर भी देखते हैं मरकमल पिज़्ज़ा, जो भी चाहिए आपके लिए, ये देखिएगा दोस्तों, ये बैठने का ही पूरा इंतज़ाम है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। और ये बाहर इस साइड में भी आप बैठ सकते हैं। और ये देखिएगा आप टेस्ट ऑफ ग्रिल का सामने आप देख रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ उसका खाना कौन कौन सा किस तरीके का है दोस्तों। ये लिस्ट है, आप जो भी खाना चाहें देख सकते हैं, सलाद भी रखी है, रायता भी रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये पूरी लिस्ट है माशाल्लाह, ये आप देखिए बिरयानी सामने रखी हुई है, ये पूरी लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं। पूरी यहाँ पर लिस्ट है, जो भी आप खाना खा सकते हैं आप देखिए। देखिए बैठने का एक पूरा इंतज़ाम है माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा, ये आप देख सकते हैं। ये है टेस्ट ऑफ ग्रिल के नाम से, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट और काफ़ी पुराना है दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो ये देखिएगा इधर भी आप बैठ कर खा सकते हैं, पूरा इधर इंतज़ाम है आप देख सकते हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल में ही 6 महीने हुए हैं इसको खुले हुए माशाल्लाह, आप देख सकते हैं पूरा, ये है, जो भी आप खाना चाहें आपको खाने को मिलेगा इंशाल्लाह। ये देखिएगा पूरा, देखिए सारा कुछ यहाँ रखा हुआ, ये देखिएगा ये पूरी लिस्ट वगैरह लगी हुई है यहाँ पर मुकरमाल की, ये देख सकते हैं, ये देख लीजिए पूरा माशाल्लाह अच्छा सिस्टम है, आप यहाँ पर बैठकर खा सकते हैं। दूसरी साइड, उस साइड से इधर की भी है, आप देख सकते हैं मुकरमाल लिखा हुआ है, उस साइड में भी और इधर साइड में भी आप खरीद सकते हैं। ये देखिएगा पूरा बाहर की तरफ माइनस वन के लिए गया हुआ, जैसे मैं आया था। तो चलिए दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन का घंटा हो उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं नए वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।